ये देखिए, हम पुल पर से ही नज़ारा दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से गंगा स्नान कर रहे हैं इस, और बहुत भीड़ था उस समय। भीड़ देखिए, हसदा स्टेशन पर नहाने के लिए कितना श्रद्धालु ने आज यहाँ पर जमावड़ा लगाया, जहाँ पर तमाम कोने कोने से सिमरिया घाट नहाने आए। और देख सकते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और इस गंगा स्नान में अपने आप को बुद्ध पूर्णिमा में। स्टेशनों पर देख सकते हैं किस तरह से हथुरा स्टेशन पर यहाँ पर भीड़ उमड़ कर आई है भक्तों की गंगा स्नान बुद्ध पूर्णिमा के नाम पर। और इस बार थोड़ा भीड़ कम देखने को मिला, लेकिन स्टेशन पर सुबह सुबह बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान करने के बाद बहुत लोग घर लौट रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए सिमरिया घाट पर। और स्टेशन परिसर पर अक्सर प्रशासन को स्टेशन परिसर को मुशक्कत करना पड़ता है ट्रेन पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी को जाना है घर स्नान के बाद। और अब चलिए, अब हम लेके जाते हैं आपको सिमरिया पुल के पास। देख सकते हैं बगल में ब्रिज, ये जो लंबा चौड़ा ब्रिज बन रहा है 6 लेन, आने वाले समय में 2 दूरियों को कम करेगा। और एक विशाल का ये जो 6 लेन पुल है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। तो चलिए, अब देर ना करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सिमरिया घाट का, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की लगी है भीड़। और ऐसे ऐसे भीड़ से थोड़ा बच के रहिए और स्नान करने समय ध्यान रखें कि कहीं डूब ना जाए, क्योंकि गंगा का बहाव में कहीं आप ना बह जाए। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट, एक कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट जहां मिले लजीज खाने से लेकर चाइनीज फूड तक सभी आइटम्स, साथ में फ्री कैबिन सिस्टम जहां आप अपने प्राइवेसी मोमेंट्स हमारे लजीज खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कहां आना है आपको? आना है अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट, जिसका पता है कपसिया चौक नियर परिणय गार्डन बेगूसराय। देख सकते हैं शाही स्नान के यहाँ भीड़ है, कुछ लोग पैदल ही इस पुल को, लंबे पुल को पार कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर शाही स्नान हो रहा है बुद्ध पूर्णिमा के नाम के अवसर पर। और भक्ति में शक्ति यहाँ देखने को मिलती है, वहाँ पर एक शक्ति से बच के रहिए जो कि है गंगा का कटाव और धार, जहाँ आपको डुबा ले जाएगी। और ध्यान दीजिए, क्योंकि हर रोज़ इस घाट पर कोई ना कोई डूबता है, तो इस चीज़ से भी आपको परहेज रखना है। भक्ति एक जगह और शक्ति एक जगह अलग बात है। तो यहाँ देख सकते हैं शाही स्नान पर भीड़ जो आपको गंगा पर देखने को मिलेगी सिमरिया घाट पर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ पकड़ के आते हैं शाही स्नान करने के लिए। और देख सकते हैं गाड़ियों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, शाही स्नान गंगा स्नान देख सकते हैं, यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और बगल में वहाँ पर आप पुल, जो 6 लेन पुल है, ये देख सकते हैं पुल, सुंदर नज़ारा, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्द ही। और यहाँ से लेके वो हथदा तक लास्ट देख रखते हैं वहाँ तक है। और यहाँ पर लोग, पुराना पुल है, वहाँ पर रेलवे पुल है बन रहा है, और ये रास्ता आपका पुराना है। और नीचे गंगा स्नान करिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। हम पुल पर से ही नज़ारा दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से गंगा स्नान कर रहे हैं इस, और बहुत भीड़ था उस समय, मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन जाते आते आपको कवरेज करा रहा हूँ सिमरिया घाट से, जो कि एक शाही स्नान करने का द्वार है। और यहाँ देख सकते हैं अभी भी श्रद्धालु नहाने के क्रम में यहाँ पहुँच रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं। और देख सकते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और इस गंगा स्नान में अपने आप को बुद्ध पूर्णिमा में मन की शांति के लिए आते हैं इस गंगा घाट पर।